हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट में है। पीछे की दो क्लासों में भी हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़े हैं जिनमें कार्बोकेटायन, कार्बेनियन और फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़ा है। आज हम कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है कार्बिन इंटरमीडिएट। कार्बिन इंटरमीडिएट क्या है? कार्बिन इंटरमीडिएट है, ये क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज जो हाईली रिएक्टिव और क्या होती है, अनस्टेबल होती है, कार्बिन कहलाती है, ठीक है ना। तो इसमें कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये क्या है, न्यूट्रल स्पीशीज है, उदासीन स्पीशीज है, 6 इलेक्ट्रॉन युक्त। दिस इज द स्पीशीज विथ सेंट्रल कार्बन एटम विथ 2 बॉन्ड्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दो बॉन्ड्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इसमें कार्बन पे। दीज आर अनचार्ज्ड स्पीशीज एंड 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन स्पीशीज है और इसके संयोजकता कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के संयोजकता कोश में। These electrons are maybe paired या unpaired. ये electrons क्या है, paired या unpaired दोनों condition में होते हैं। इस basis पे भी carbon दो प्रकार की होती है, singlet और triplet। अगर जो दो तो bonds होते हैं और जो दो electron हैं वो क्या है, अगर paired है तब तो वो singlet carbon होगी, अगर unpaired है तो वो क्या होगी, triplet carbon होगी। These are very short-lived species. इसकी लाइफ टाइम है वो बहुत कम होता है, शॉर्ट लिव्ड होती है। दी स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट स्पीसीज ऑफ द क्लास इज मिथाइलिन। दिस इज नॉन आइसोलेबल स्पीसीज, ठीक है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड द कार्बिन हैज सिंगलेट स्टेट। जब क्या होंगे, जो दोनों इलेक्ट्रॉन है कार्बन पे उपस्थित तो वो क्या है, अगर युग्मित अवस्था में है तो कार्बिन क्या होगी, सिंगलेट होगी। एंड इन केस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स द कार्बिन हैज ट्रिपलेट स्टेट। अगर क्या होंगे, कार्बन पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड कंडीशन में हैं तो कार्बिन कैसी होगी, ट्रिपलेट कंडीशन में होगी, उसी अवस्था में होगी। दीज आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीसीज एंड कैन बी एज दीज स्पीसीज आर शॉर्ट लिव्ड एंड वेरी रिएक्टिव, हेंस इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। ये क्या है, हाईली रिएक्टिव और अनस्टेबल स्पीसीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डाइक्लोरो कार्बिन है, मिथाइलिन है, ये भी कार्बिन का एग्जाम्पल है और ये क्या है, एसिटो कार्बिन, ठीक है। तो कार्बन पे इसमें क्या है, दो बॉन्ड्स प्रेजेंट है और दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस टाइप से जो कार्बिन का कार्बन है उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। उदासीन स्पीसीज है, हाईली रिएक्टिव है, अनस्टेबल होती है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। फिर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें कि इसका फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो जब हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, ठीक है ना, KOH के साथ कराते हैं तो हमें डाइक्लोरो कार्बिन मिलता है, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन द्वारा फॉर्मेशन, दिस टेक्स प्लेस इन टू वेज एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस इज एल्फा एलिमिनेशन, ये क्या है हमारा, CHCl3 जिसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। इसका KOH से रिएक्शन कराने पे क्या होगा, ये यहाँ पे Cl निकलने के बाद ये H को ले लेगा और हमें क्या मिलेगा, डाइक्लोरो कार्बिन प्राप्त होता है। तो KOH क्या करता है, यहाँ पे ये कार्बन पे जो 3 क्लोरीन के प्रेजेंस के कारण ये जो हाइड्रोजन है वो बेस के प्रेजेंस में इसके पास आ जाएगा और हमें क्या मिलेगा, डाइक्लोरो कार्बिन, ठीक है। और क्लोरीन इज ए लिविंग ग्रुप है तो ये निकलने के बाद हमें CCl2 डाइक्लोरो कार्बिन प्राप्त होता है। पर हम इसकी रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द कार्बिन एज इंटरमीडिएट स्पीसीज, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं एडिशन टू मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है ना। मल्टीपल बॉन्ड के साथ एडिशन रिएक्शन इसकी हम देखते हैं कार्बिन की। द कार्बिन इज एडेड आइदर टू डबल या टू ट्रिपल बॉन्ड एंड फॉर्म्स ए स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये क्या बनाती है,
एडिशन रिएक्शन के द्वारा इपोक्साइड का फॉर्मेशन करती है। फॉर एग्जाम्पल इपोक्साइड फॉर्मेशन, जैसे ये हमारा कोई भी कार्बोनिल ग्रुप का क्या है, CH3 CHO एसिटल्डिहाइड है, इसके साथ हम मिथाइलिन जो कार्बिन है इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो इपोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट आता है नाइट्रीन, ये भी कार्बिन के जैसे ही है। क्या है, कार्बिन और नाइट्रीन में भी सिमिलरिटी है, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन युक्त उदासीन स्पीशीज है जो कि हाईली रिएक्टिव और अनस्टेबल होती है, ठीक है ना। नाइट्रीन इज इलेक्ट्रोन्यूट्रल मोनोवेलेंट इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है, इसमें एक ही बंद होता है, बाकी नाइट्रोजन पे 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। दिस हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ कार्बिन, हेंस नाइट्रीन इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ कार्बिन, ठीक है। ये दोनों ही समान प्रॉपर्टीज रखते हैं कार्बिन और नाइट्रीन। देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन नाइट्रीन, ठीक है, नाइट्रीन में भी नाइट्रोजन पे 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कार्बिन आर लेस स्टेबल देन नाइट्रीन। जनरेशन ऑफ नाइट्रीन इज पॉसिबल इन बोथ ट्रिपलेट एंड सिंगलेट स्टेट, बट मोस्टली द ग्राउंड स्टेट फॉर सिंगलेट नाइट्रीन फॉर नाइट्रीन इज ट्रिपलेट, सॉरी, ठीक है। तो ये भी सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों कंडीशन में पाई जाती है। अब हम इसके फॉर्मेशन की बात करें, ठीक है, तो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा भी हम इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अल्फा एलिमिनेशन में ये हम इसमें ये ब्रोमीन क्या है, एक लीविंग ग्रुप है, बेस की प्रेजेंस में इसको ब्रोमीन निकलने के बाद इसको प्रोटॉन को ले लेगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, नाइट्रीन, ठीक है। ऐसे ही पायरोलिसिस के द्वारा भी इसका फॉर्मेशन होता है, नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। फिर हम इसकी रिएक्शंस की बात करें, ठीक है, तो रिएक्शंस में हम देखते हैं नाइट्रीन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स एंड अंडरगोज फॉलोइंग रिएक्शन, एडिशन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे भी इसकी एडिशन रिएक्शन होती है और हमें क्या है? इधर से इससे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, उस टाइम ये नाइट्रोजन अपना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देके बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इस टाइप से एडिशन 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 टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से इसका फॉर्मेशन होता है। सेकेंड हम देखते हैं इंसर्शन इन सी एच बॉन्ड के अंदर इंसर्शन से भी यहाँ पे अगर नाइट्रीन की अभिक्रिया CH4 से कराते हैं तो CH बॉन्ड में इसका इंसर्शन होगा और हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। फिर है रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी होती है इसकी। क्या होता है कि आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है, ये हमारा कोई भी नाइट्रीन है, इसमें जो एल्किल ग्रुप है वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके नाइट्रोजन पे आ जाए और इस ये जो लोन पे रहे यहाँ पे क्या बना ले, डबल बॉन्ड बना दे, तो हमें क्या मिलेगा, एल्किल आइसोसाइनेट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेंजाइन की, जो भी है वो भी क्या है, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो बेंजाइन क्या है, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स की जनरली हम देखते हैं कि एरोमेटिक यौगिक कौन सी अभिक्रिया देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया उनकी मुख्य अभिक्रिया होती है। बट जो कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है जिनको एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, उनमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या है, बेंजाइन, ठीक है। तो बेंजाइन इंटरमीडिएट क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। तो बेंजाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो बेंजीन अणु में जो निकटवर्ती दो कार्बन हैं उनके sp2 कक्षक में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और इन कक्षकों के अतिव्यापन से बेंजीन वलय में एक अतिरिक्त बंध बन जाता है और ये दोनों निकटवर्ती sp2 कक्षक उसी तल में हैं जिसमें बेंजीन वलय है, एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। तो बेंजीन के sp2 में उपस्थित जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। इट इज नॉन आइसोलेबल वेरी रिएक्टिव स्पीसीज विथ द हेक्सागोनल प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर विथ 6 पाई
डिलोकलाइज्ड एंड टू एडिशनल पाई बॉन्ड। टू एडिशनल पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एडिशन टू पाई इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट अफेक्ट द एरोमेटिक करेक्टर ऑफ रिंग एज इट डज नॉट इंटरफेयर विद द हकल नंबर। ठीक है, तो ये क्या है, जो एडिशनल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। दिस इज ए सिक्स मेंबर रिंग कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। दिस ट्रिपल बॉन्ड गिव्स हाई रिएक्टिविटी टू द स्पीसीज। ये क्या है, ये भी हाईली रिएक्टिव स्पीसीज हैं। इसको हम sp2 कक्षों के अतिव्यापन के कारण इसका फॉर्मेशन होता है और ये हाईली रिएक्टिव और अनस्टेबल होती है। ठीक है, तो हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। फिर ज्योमेट्री को देखें तो ये क्या है, हमारा बेंजाइन इंटरमीडिएट। ठीक है, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। पाई ऑर्बिटल फॉर्म बाय ओवरलैप ऑफ टू sp2 ऑर्बिटल। ईच ऑर्बिटल हैज वन इलेक्ट्रॉन। ये जो पाई बॉन्ड है एक्स्ट्रा बेंजाइन में, इसका फॉर्मेशन sp2 ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग के दौरान होता है। दिस कॉज बॉन्ड डिफॉर्मेशन एंड लीड्स टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल। इसके कारण मॉलिक्यूल की क्या होती है, हाई रिएक्टिविटी। ये क्या है, बेंजाइन का ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, इसमें जो sp2 कक्षक है इनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। सिंथेसिस की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ हेलोबेंजीन विद एमाइडाइन। ठीक है ना, तो सोडियम और लिक्विड अमोनिया, सॉरी NaNH2 की लिक्विड अमोनिया के साथ अगर हेलोबेंजीन की अभिक्रिया कराएं तो हमें क्या मिलता है, बेंजाइन इंटरमीडिएट मिलता है। ठीक है, तो इसमें वही है कि यहाँ से Cl निकल के और ये जो एच है अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और बेंजाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने देखा कि कार्बिन के बारे में पढ़ा, कार्बिन नाइट्रीन और बेंजाइन इंटरमीडिएट्स के बारे में देखा। तो कार्बिन इंटरमीडिएट्स क्या है, कार्बिन भी क्या है, सिक्स इलेक्ट्रॉन युक्त उदासीन स्पीसीज होती है जिसमें कार्बन के वैलेंस शेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, हाईली अनस्टेबल और रिएक्टिव होती है। ठीक है, और कार्बिन दो प्रकार की होती है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट में क्या होता है, सिंगलेट में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड होते हैं, जबकि ट्रिपलेट जो होता है उसमें दोनों जो कार्बन पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड कंडीशन में होते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद में हमने देखा नाइट्रीन कार्बिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो क्लोरोफॉर्म की ओर से अभिक्रिया के द्वारा भी हम डाइक्लोरोकार्बिन प्राप्त होता है। ठीक है ना, फिर हमने इसकी जो रिएक्शंस देखी, फिर नाइट्रीन के बारे में पढ़ा, नाइट्रीन क्या है, नाइट्रीन भी एक क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज है, सिक्स इलेक्ट्रॉन युक्त जिसमें एक बॉन्ड्स होते हैं और नाइट्रोजन पे चार इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और नाइट्रोजन भी इसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन भी हाईली रिएक्टिव और अनस्टेबल स्पीसीज होती है, और इसमें नाइट्रोजन भी कार्बिन की जैसे सिंगलेट और ट्रिपलेट कंडीशन में उपस्थित होती है, इसकी भी दो अवस्था होती है, ट्रिपलेट और सिंगलेट। ठीक है, हमने नाइट्रीन का फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा और इसकी रिएक्शंस के बारे में देखा। फिर लास्ट में हमने देखा बेंजाइन इंटरमीडिएट क्या होता है, तो बेंजाइन इंटरमीडिएट्स हैं वो उसका फॉर्मेशन जो एरोमेटिक कंपाउंड्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनमें होता है, जिन्हें हम एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, के दौरान बेंजाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। बेंजाइन इंटरमीडिएट में जो बेंजीन के sp2 ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें ओवरलैपिंग से बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है, यह भी हाईली अनस्टेबल और क्या होती है, रिएक्टिव स्पीसीज होती है, अत्यधिक अस्थायी होती है और रिएक्टिव होती है। ठीक है, और बेंजाइन में जो है इसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। और फिर हमने इसमें देखा बेंजाइन की जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, तो बेंजाइन का फॉर्मेशन क्या कैसे होता है, जब हम हेलो बेंजीन है कोई भी उसकी अभिक्रिया सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया सोडामाइड के साथ कराते हैं तो हमें बेंजाइन प्राप्त होता है। तो इस टाइप से हमने देखा कि कार्बिन, हमने अभी तक सिक्स इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ा, कार्बोकेटाइन कार्बेनियन
उसके बाद में फ्री रेडिकल, फिर कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। ठीक है, थैंक यू।